ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण एंड वेलकम। भगवद गीता फोर्थ चैप्टर 32 श्लोक कर रहे हैं। एवं बहुविधा यज्ञा एवं बहुविधा दीतता ब्राह्मणो मुखे कर्मचान विधि सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे विमोक्ष्यसे। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन और प्रॉपर वॉलंटियर करें। हाँ पढ़िए ट्रांसलेशन। All these different types of sacrifice are approved by the Vedas and all of them are born at different types of work. Knowing them as such, you will become liberated. Purport. Different types of sacrifice as discussed above are mentioned in the Vedas to suit the different types of worker. Because men are so deeply absorbed in the bodily concept, these sacrifices are so arranged that one can work either with the body, with the mind or with the intelligence. But all of them are recommended for ultimately bringing about liberation from the body. This is confirmed by the Lord herewith from his own mouth. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. So, basically, kai tarike ke yagya bataye Bhagwan ne Arjun ko. Unhone bataya ki kaise ब्रह्मचारी कैसे करते हैं, हियरिंग प्रोसेस को यूज करते हैं, राइट। हियरिंग प्रोसेस को यूज करके वो ऑस्टेरिटी तपस्या करते हैं। कैसे हाउस होल्डर्स जो हैं वो सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट्स को के टच में आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको रेगुलेटेड मैनर में करते हैं। और कई अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में बताया था कि कैसे अष्टांग योगा वाले करते हैं, कैसे जो ब्राह्मण एस्पेक्ट की तरफ जा रहे हैं वो करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के लोग अलग तरह का यज्ञ कर रहे हैं, बट एक्चुअली आइडिया क्या है ये कि ये स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए हो, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए हो। और इसमें जो नॉलेज ज्ञान अर्जित करने के लिए यज्ञ, वो बेटर है मटीरियल पोजेशन से। मतलब फ्रुइटेटिव एक्टिविटी जो होती है, फ्रुइटेटिव एक्टिविटी, फ्रुइटेटिव वर्क, कर्म कांड, उससे ज्यादा अच्छा है ज्ञान योगा, ऐसे बताएंगे। तो ये कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं कि ये सारे के सारे जो हैं ये वेदों के द्वारा अप्रूव्ड हैं। इस पर्टिकुलर श्लोक में आप बता रहे हैं ना कि ये सारे सेक्रीफाइस जो है वेदों के हिसाब से हैं, वेदों में अप्रूव्ड है। जैसे हमने डिस्कस किया था द्रव्यमय यज्ञ किया था ना, ज्ञानमय यज्ञ, तपोमय यज्ञ, ये सब डिस्कस किया था कि कैसे कई लोग चैरिटी अपनी दे रहे हैं। किसी को याद आ रहा है? निकालता हूं मैं श्लोक। के कई लोग ये प्रोसेस फॉलो करते हैं द्रव्यमय यज्ञ का, मतलब कि अपनी चैरिटी देते हैं, धर्मशाला, अन्य क्षेत्र, इन सबको बनाने के लिए, विद्यापीठ, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज को, और उससे हायर डेस्टिनेशन उनको मिलेगी। क-
कई लोग तपस्या करते हैं, तपोमय यज्ञ, चतुर्मास, चंद्रायन, इन सबको फॉलो करते हैं, और कई हठ योगा को फॉलो करते हैं, अष्टांग योगा को फॉलो करते हैं। और फिर प्रभुपाद बता रहे थे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो फॉलो करते हैं वो एक्चुअली हाईएस्ट है, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। आप ऑस्टेरिटी भी कर सकते हो, आप अपनी चैरिटी भी दे सकते हो कृष्णा के उसके लिए, और आप क्या कहते हैं स्मरण भगवान में ध्यान भी लगा सकते हो, और डायरेक्टली आप कृष्णा कर रहे हो, इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो करते हैं जो वो डायरेक्ट मेथड है। बाकी सारे भी मेथड अप्रूव्ड हैं, जैसे अगर किसी को इनडायरेक्ट जाना है वो इनडायरेक्ट भी जा सकता है। फिर ऐसे ही अलग अलग प्रोसेसेस, जैसे प्राणायाम के थ्रू भी लोग यज्ञ करते हैं, अलग अलग तरह की एयर्स होती हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये सब को फॉलो करते हैं। और ये सब के सब जो हैं इनको प्यूरिफिकेशन मिलती है, ये आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। और इसमें जो ज्ञान का प्रोसेस है वो फ्रूटिव वर्क से बेटर है, और बिना सैक्रिफाइस किए, बिना ये सब जो वेद बता रहे हैं, ये सब अगर नहीं करेंगे कोई, जैसे आजकल हमारा क्या हो गया लाइफ, ये आजकल की सोसाइटी हो गई मी सोसाइटी, मी, गुड फॉर मी, गुड फॉर यू, मतलब हमारे लिए क्या है, बड़ी बहुत ज्यादा मी सेंटर्ड। इवन अगर आप कुछ दशकों पहले ही देखो, कुछ डेकेड्स पहले, तो लोग हमारा सोचते थे कि क्या सबके लिए बेनिफिशियल, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी बिल्कुल मेरे मेरे लिए हो गया, सेंटर बहुत ज्यादा सिमट गया अपने में, इसमें कभी खुशी मिल नहीं सकती एक्चुअली। जितना हम दूसरों के लिए करते हैं, जितना हम सैक्रिफाइस करते हैं, जितना हम बाकियों के लिए मदद करने की कोशिश करते हैं, उतना हम खुश रहते हैं। इन गिविंग वी रिसीव, जब दूसरों के लिए हम भला करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें खुशी मिलती है, अदरवाइज खुशी मिलती नहीं है। लोगों को अगर आप देखो, लोग फेस पे तो दिखाएंगे बड़े अच्छे से कि काफी खुश हैं वो, मगर एक्चुअली अंदर से बहुत फियर्स होते हैं, कई तरीके के फियर्स होते हैं, कई तरह के डिजायर्स होते हैं, कई तरह के ट्रबल्स होते हैं। और मेन रूट कारण इसका ये है कि स्पिरिचुअल क्वोशेंट जो है वो फुलफिल्ड नहीं। सोशल लाइफ इंपॉर्टेंट है, इमोशनल लाइफ इंपॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लोग स्पिरिचुअल हेल्थ को निग्लेक्ट कर देते हैं, वो बाकी सब चीजों में फोकस करते हैं लेकिन स्पिरिचुअल को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे बाकी सारी चीजों का इंपॉर्टेंस है, स्पिरिचुअलिटी की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब सेक्रीफाइस करते हैं, कुर्बानी देते हैं किसी हायर चीज के लिए, तो ये अलग अलग लेवल्स की हो सकती है, ये मटीरियल लेवल की भी हो सकती है और स्पिरिचुअल लेवल की भी हो सकती है। स्पिरिचुअल लेवल में तो बेस्ट है, लेकिन अगर कोई वहां तक नहीं कर सकता तो मटीरियल लेवल में भी करें। आप देखो बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, बिल गेट्स और ये सब, इन्होंने अपनी चैरिटेबल फाउंडेशंस खोली, क्योंकि इतना सब कमाने के बाद इनको मिला नहीं सेटिस्फैक्शन। वॉरेन बफे, ऐसे कई सारे बिलियनियर्स देखोगे आप, वो चैरिटी खूब करते हैं, क्यों? क्योंकि सेटिस्फैक्शन मिल नहीं रहा। कई लोग हैं जो गलत तरीके से और सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं, जैसे ड्रग्स, स्मोकिंग, अलग अलग चीजों में वो लगाते हैं अपने आप को। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, लेकिन वो ड्रग्स वगैरह लेने की कोशिश करते हैं कि शायद इससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, क्योंकि अभी आई नहीं, इतना पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, दौलत शोहरत सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है, इसलिए वो ढूंढते हैं। एक्चुअली जो शास्त्रों के हिसाब से सेक्रीफाइस करता है वो धीरे धीरे एलिवेट होता रहता है। अगर वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है तो वो उससे हायर होगा, पैशन में आएगा, फिर गुडनेस में आएगा। लेकिन अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस को डायरेक्टली फॉलो कर देता है तो उसको फास्ट हो जाता है मेथड। तो कृष्णा ये सब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं उसे। तो आगे चलेंगे 4.33। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात्, श्रेयान द्रव्यमयाद
ज्ञान यज्ञ परंतपा सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन I can read from O chastiser of the enemy, the sacrifice performed in knowledge is the sacrifice performed in knowledge is better than the mere sacrifice of material possessions. After all, O son of Pratha, all sacrifices of work culminate in transcendental knowledge. Hare Krishna. All right, thank you. यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान के माध्यम से सैक्रिफाइस किया गया है वो हायर है, वो बेटर है सिर्फ मटीरियल पोजेशन से. जैसे कई लोग चैरिटी देते हैं, दान दे देते हैं, और वो ज्ञान अर्जित नहीं करने के लिए इच्छुक होते हैं. वो कहते हैं नहीं छोड़ यार. कई बार हम कहते हैं आप किसी को भगवद गीता आप ले लो पढ़ने के लिए, तो वो कहते हैं नहीं ये लो आप 20 रुपए रखो या 50 रुपए रखो चैरिटी, भगवद गीता वगैरह तो कौन पढ़ेगा ये, है कि नहीं. तो कई लोग तो खैर वो उनसे बेटर हैं जो बिल्कुल डोनेशन भी नहीं देते, उनसे तो बेटर है वो लोग जो डोनेशन देते हैं. अब ये तो मैंने स्पिरिचुअल चीजों के लिए बोलिए, कोई मटेरियल चीज के लिए भी देता है द्रव्यमय यज्ञ, जैसे वहां पे हमने देखा था पाठशाला विद्यापीठ इन सब के लिए. तो वो सब भी वेदों में जो कार्य दिए हैं उसके हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन उससे बेटर क्या है कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ज्ञान उसके उसके अंदर जाके नॉलेज गेन करके फिर उस हिसाब से कार्य करना, वो बेटर ज्ञान. तो ये कृष्णा बता रहे हैं. अब ज्ञान जो है वो अलग अलग लेवल का हो सकता है. ज्ञान बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल रेल में ट्रांसेंडेंटलिस को लेके जाए सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक, या फिर वो लेके जा सकता है आपको डायरेक्टली वैकुंठ प्लैनेट्स. तो इधर वे जो भी है वो ये सारी चीजें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ये बेटर कहने का मतलब. तो हम पर्पट में पढ़ेंगे फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर हो. कौन वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? हरे कृष्णा, शुड आई रीड? हाँ, नमस्ते, प्लीज. The purpose of all sacrifices is to arrive at the status of complete knowledge, then to gain release from material miseries, and ultimately to engage in loving transcendental service to the Supreme Lord, Krishna consciousness. Nonetheless, there is a mystery about all these different activities of sacrifice, and one should know this mystery. Sacrifices sometimes take different forms according to the particular faith of the performer. When one's faith reaches the stage of transcendental knowledge, the performer of sacrifices should be considered more advanced than those who simply sacrifice material possessions without such knowledge. For without attainment of knowledge, sacrifices remain on the material platform and bestow no spiritual benefit. Real knowledge culminates in Krishna consciousness, the highest stage of transcendental knowledge. Without the elevation of knowledge, sacrifices are simply material activities. When, however, they are elevated to the level of transcendental knowledge, all such activities enter onto the spiritual platform. Depending on differences in consciousness, sacrificial activities are sometimes called karmakanda, fruitive activities, and sometimes jnanakanda, knowledge in the pursuit of truth. It is better when the end is knowledge. Hare Krishna. Hare Krishna. So, here we have two aspects.
एक बताया है कि जो मटेरियल पोजेशंस में हम काम करते हैं वो अलग अलग फेथ जो होगा उस हिसाब से अलग अलग उसका आउटकम होगा. जैसे व्हेन वंस यहाँ लिखा है टेक डिफरेंट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर फेथ ऑफ द परफॉर्मर, मतलब उसका क्या फेथ है, क्या इंटेंशन है, कैसे वो कर रहा है, वो सब चीजें भी मैटर करती हैं. और अगर वो नॉलेज ज्ञान के स्तर पे आती है तो वो बेटर है जस्ट कर्म के स्तर. कर्म कांड में फ्रूटिव रिजल्ट्स के लिए कार्य कर रहे हैं, ज्ञान कांड में नॉलेज के लिए कर रहे हैं. और अगर ये ट्रांजिशन हो जाए और गोल हो जाए सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो ये ज्ञान कांड की जगह ज्ञान योगा बन जाएगी और कर्म कांड की जगह कर्म योगा बन जाएगा अगर सुप्रीम में हो. तो इसलिए ये कार्य करने है जो व्यक्ति वो अगर स्पिरिचुअल सॉरी अगर वो सुप्रीम के साथ कनेक्शन नहीं है तो उसका कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं है, नो स्पिरिचुअल बेनिफिट. तो सेम ही कार्य कर रहा है लेकिन एक सिचुएशन में स्पिरिचुअल बेनिफिट है और एक कंडीशन में नहीं है. तो ये सब कैसे पता लगेगा कैसे, तो उसके लिए आपको फॉलो करना चाहिए जो कृष्ण बता रहे हैं. तो कृष्ण भी और आगे बताएंगे. नेक्स्ट पढ़ते हैं श्लोक का फिर और डिस्कस करेंगे. ठीक है. ऑलराइट. ओके प्रभु जी. ओके तो 4.34 तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना. ओके कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? हरे कृष्ण सुनाई. हाँ आप पढ़िए. ट्रांसलेशन. Just try to learn the truth by approaching the spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Hare Krishna. तो इतने सारे sacrifice, इतनी सारी वो हैं चीजें, तो कैसे पता लगेगा? गुरु से approach करके. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Guru ke paas aap approach karo. Aur phir kya karo guru ke paas? Aise nahi ki usko maan lo andhavishwas mein. Ki haan bhai guru hain, chalo jo keh rahe hain karoge. Nahi nahi. Aise nahi. Inquire from him. Inquire from him. So question puchna bada zaruri hai. Aise nahi usne keh diya din ko raat hai to aap maan loge raat. Nahi. Aapko question puchne. Lekin kaise, kis bhavna se question puchne? Challenge karte hue nahi, hey, batao. Nahi, aise nahi. या तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे ऐसे नहीं. एटीट्यूड क्या होना चाहिए? सबमिशन का एटीट्यूड होना चाहिए, सबमिसिवली. तो सवाल पूछने जरूरी है लेकिन इस तरीके के सवाल पूछने हैं समझने की भावना से कि कैसे इसको समझा जाए. और क्या करना है? सिर्फ सवाल पूछने नहीं है, और क्या करना है? ऐसे कार्य करने हैं जिससे जवाब समझ में आए. तो रेंडर सर्विस, सेवा करनी है. सेवा जरूरी है करनी. जो डूज एंड डोंट्स हैं वो फॉलो करने हैं. जो एक्चुअली में सेल्फ रियलाइज्ड है वही आपको ये नॉलेज दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य देखा है. तत्वदर्शी हैं, उन्होंने देखा हुआ कि असली में सत्य क्या है. ऐसे व्यक्ति ही आपको सिखा सकते हैं. कृष्णा ये यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं कि ये प्रोसेस है. ऑलराइट कौन पढ़ेगा पोपट? तो वॉलंटियर करेगा पोपट? The path of spiritual realization is undoubtedly difficult. The Lord therefore advises us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciplic succession from the Lord himself. No one can be a bona fide spiritual master without following this principle of disciplic succession. The Lord is the original spiritual master. And a person in the disciplic succession can convey a message of the Lord as it is to his disciples. No one can be spiritually realized by manufacturing his own process as in the fashion of the foolish pretenders.
the Bhagavatam 6.3.19 says Dharmam tu saksat bhagavat pranitam. The path of religion is directly enunciated by the Lord. Therefore, mental speculation or dry arguments cannot help lead one to the right path. Okay. The independent. थोड़ा डिस्कस करते हैं फिर चलेंगे आगे. तो इसमें क्या लिखा है कि जो आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ है ये आसान नहीं है. कोई भी अच्छी चीज आसानी से मिलना मुश्किल होता. सारे लोग किस्मत वाले नहीं होते और जो किस्मत वाले होते हैं उन्हीं को ये सौभाग्य मिलता है कि ये पता लगे कि कैसे ये लाइफ को परफेक्ट किया जाए, कैसे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में आए. तो ऐसे व्यक्तियों को भगवद गीता से कनेक्शन मिलता है, ऐसे लोगों को ये पाथ में आगे बढ़ने के लिए एसोसिएशन मिलती है और एडवांसमेंट मिलती है. तो जिनको मिल रही है उनको ये चीपली नहीं लेना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए. और ये पाथ अभी भी बड़ा डिफिकल्ट है. एक बार ये आपको पता लग गया उसमें भी काफी रुकावटें आएंगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. तो कैसे बढ़ना है आपको? आपको एक गुरु की शरण में जाना है, ठीक है ना, और उनसे सवाल पूछने. और वो गुरु की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि कोई भी गुरु बन गए. गुरु मींस उन्होंने अपने गुरु से सीखा होना चाहिए. अगर कोई कहता है कि मुझे, मैं यहाँ बैठा हुआ था और मुझे खुद सब कुछ पता लग गया अपने आप ही, और उन्होंने कभी गुरु नहीं एक्सेप्ट किया और कहते हैं कि खुद ही मुझे भगवान ने डायरेक्टली बताया, तो ऐसी बात को हमारे को मान नहीं लेना चाहिए. या कई लोग कहते हैं हमें ऐसे ही हमने सिद्धि प्राप्त कर ली और अभी हम भगवान बन गए, या ऐसे पे बात करते हैं. ये सब चीजें रिकमेंडेड नहीं है. ऐसा भगवद गीता कृष्णा ये रिकमेंड नहीं करते और ऐसे लोगों को हम ज्यादा तवज्जो देते नहीं एक्चुअली, ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या कि भगवान कृष्ण जो है वो ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर है और जो उनके साथ गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है उसको हम गुरु मान सकते हैं, प्रोवाइडेड वो क्वालिफिकेशंस मीट करे. उसकी भी पूरी लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन. नो वन कैन बी स्पिरिचुअली रियलाइज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग हिज ओन प्रोसेस. कई लोग अपना प्रोसेस खुद का बना लेते हैं, खुद का उन्होंने कुछ मेडिटेट किया या ऑब्जर्व किया या देखा, या उन्होंने कहा कि भाई देखो हमें 30 साल का एक्सपीरियंस है, हम अपने 30 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं कि ये इस तरीके से ही कर सकते हो आप. और अगर वो शास्त्रों का कोई रेफरेंस नहीं देते, कहीं नहीं कहते कि भगवद गीता में क्या लिखा है, या कहीं ऐसे नहीं देते अलग अलग उपनिषदों में वेद में क्या, कोई ऐसे नहीं देते, अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हमें बहुत सोच समझ के बात उनकी सुननी चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए. क्योंकि अगर उनको नॉलेज सिर्फ एक्सपीरियंशियल नॉलेज है तो उनके 30 साल तो कुछ भी नहीं है ना. हजारों सालों से सृष्टि चल रही है, उन्होंने 30 साल में जो देख लिया उससे हर चीज चेंज नहीं हो सकती. यहाँ जो कृष्णा कह रहे हैं भगवद गीता में हम उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं. यहाँ पे बता रहे हैं कि कई ऐसे फूलिश प्रिटेंडर्स होते हैं जो अपने आप बड़ा बहुत साधु महात्मा ऐसे दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो फॉलो नहीं कर रहे प्रोसेस. तो ऐसे व्यक्तियों के को कई बारी दूसरे किसी ने कुछ चैट बॉक्स में डाला है Yes. तो इस पर्टिकुलर श्लोक में इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि ये फूलिश प्रिटेंडर्स जो है ना, ऐसे लोगों को हम फॉलो ना करें, हम सही मायने में अप्रोच करें जो गुरु हों, स्पिरिचुअल मास्टर. और वो गुरु जो गुरु परंपरा में चल रहे हैं वो भगवद गीता के अकॉर्डिंगली हमें सिखाएंगे, शास्त्रों के थ्रू सिखाएंगे, भागवतम के थ्रू सिखाएंगे.
और भागवतम में क्या लिखा है, भागवतम में प्रभुपाद बता रहे हैं 6th canto में 6.3.19 में क्या लिखा है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, के भगवो धर्म होता क्या है, धर्म असली में वो होता है जो भगवान बताते, धर्म जो होता है वो जो कृष्णा बताते, और कृष्णा ने यहाँ पे कहा है कि गुरु को अप्रोच करना, और गुरु क्या सिखाता है, गुरु सिखाता है जो कृष्णा ने भगवत गीता में दिखा, और क्या दिया है कृष्णा ने भगवत गीता में कंक्लूजन, सर्व धर्मान परित्याजा माम एकम शरणम व्रजा अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये कृष्णा बताते हैं 18th chapter में कंक्लूजन दे रहे हैं यहाँ पे, जब सब चीजों की कंक्लूजन हो रही है तो उसके एंड में कंक्लूड कर रहे हैं कृष्णा की मेरी शरण में आओ, इधर उधर मत भटको, सर्व धर्मान परित्याय माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। So abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all the sinful reactions. Do not fear. So आप घबराओ मत, डरो मत, मेरी शरण में आओ, मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूँ। कई बार लोगों को चिंता होती है, अरे हमने इतने पाप कर दिए। आप चिंता मत करो, भगवान की शरण में आओ, पापों से भी मुक्ति मिलेगी और पाप करने की प्रवृत्ति चली जाएगी। सिर्फ पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी, जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो भी चले जाएंगे। तो गुरु जो है वो इस चीजों में सिखाता है हमें कि कैसे भगवान कृष्ण की तरफ बढ़ना है, कैसे अपने आप को परफेक्ट करना है। क्लियर हो रहा है अभी तक? यस प्रभु जी। ओके, कौन पढ़ेगा आगे? यहां से शेडेड एनी वॉलंटियर्स? आई कैन रीड प्रभु जी। Therefore, mental speculation or dry arguments cannot help lead one to the right path, nor by independent study of books of knowledge can one progress in spiritual life. One has to approach a bona fide spiritual master to receive the knowledge. Such a spiritual master should be accepted in full surrender, and one should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. Okay, यहाँ पे stop कर। Okay. वे कह रहे हैं देखो क्या process यहाँ पे कृष्णा ने दिया है, वो ये है कि अपने आप speculate नहीं कर सकते आप कि ये होता होगा ऐसे होता होगा, नहीं, शास्त्रों से पढ़ो, सीखो गुरु से और उस हिसाब से फॉलो करो। कई लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं अलग अलग तरह की चीजों के लिए, ऐसी आर्ग्यूमेंट जो है ना उससे बेनिफिट नहीं होगा। आप प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग, राइट? जो प्रोसेस है आप उसको फॉलो करके देखिए आपको कितना उससे चेंजेस मिलते हैं, आप उस हिसाब से डिसाइड कर लो, है ना। और आप कोई कहे नहीं नहीं हम तो खुद ही भगवत गीता पढ़ के कोई करके कर लेंगे, हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको परफेक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि वो रिकमेंड नहीं किया कृष्णा ने। कृष्णा अगर आप पढ़ोगे तो कृष्णा उसके लिए आपको हेल्प जरूर करेंगे कि आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सही मायने में इस यू नो इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कर रहा है और इस पोजिशन में है जिसको मैं गुरु मान सकूं। ये नॉलेज जरूर आपको देंगे भगवान, लेकिन आप कहो कि सिर्फ हम ऐसे ही करेंगे परफेक्ट, तो वो कृष्णा ने रेकमेंड किया नहीं एक्चुअली भगवत गीता। तो अगर हमें उस हिसाब से फॉलो करना है जो कृष्णा ने किया है तो कृष्णा ये इंकरेज करते हैं गुरु। हाँ, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे और किसको हम अपना गुरु समझे, तो उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट स्टडी कर सकते हो, आप भगवत गीता की बुक्स की जो बाकी लोग हैं उनसे सीख सकते हो, सुन सकते हो और फिर भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, फिर भगवान आपको एक्चुअली कनेक्ट करेंगे, और जब कनेक्ट करेंगे फिर आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए। और जब आपको ऐसे मिले, जब आपने एक बार एक्सेप्ट किया, तो आपको इस बारे के लिए रेडी रहना चाहिए कि आपको पूरी तरह से सरेंडर करना है, ठीक है ना। उनको एक सेवक के भांति, एक जैसे सेवक सेवा करने के लिए आता है, उस भाव अपनी जो ईगो है और प्रेस्टीज है उसको नहीं आना चाहिए। गुरु ने कहा कि भाई
जैसे खासकर पहले के टाइम में आप देखोगे बच्चों को भेजते थे गुरुकुल, और गुरु वहां पे मटेरियल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज दोनों देते थे। तो कभी बड़े राजा के बच्चे होंगे और उनको जमीन पे सिखाने सुलाने के लिए बात होती है, जमीन पे सोना है, या फिर उनको तपस्या सिखाते हैं या उसको साफ सफाई करना सिखाते हैं। अब कोई कहे नहीं, मैं राजा का बच्चा और मैं ये करूंगा, ऐसा नहीं कर सकता मैं, तो फिर ये ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगी नॉलेज। जैसे हमारे इस्कॉन में कई कई लोग आते हैं, वो IIT से पढ़ा हुआ है और कई कई जगह से पढ़ा हुए हैं, तो नेचुरली उनको बहुत प्राउड होता है, बहुत प्राइड होता है। अच्छे अच्छे कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई IIM अहमदाबाद, अलग अलग जगह से पढ़ के आए, और उनको कहते हैं आप रहो गुरुकुल में, आपको यहाँ साफ सफाई करनी पड़ेगी, आपको बाथरूम साफ करने पड़ेंगे, आपको सब जमीन पे सोना पड़ेगा, आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा 3 बजे उठ के आरती करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें जो है, ये तपस्या कई बारी कुछ लोग जो हैं वो नहीं कर पाएंगे अगर वो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, उनको पता होना चाहिए कि प्रेस्टीज नहीं होती इस। तो ऐसे जो लोग हैं वो सक्सेसफुल करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो पूरी तरह से अपनी ईगो को हटा लेते हैं, ऐसे लोग सही मायने में राइज करते हैं। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा आगे? आई कैन रीड प्रभु जी। हाँ पढ़िए। Satisfaction of the self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. Inquiries and submission constitute the proper combination for spiritual understanding. Unless there is submission and service, inquiries from the learned spiritual master will not be effective. One must be able to pass the test of the spiritual master, and when he sees the genuine desire of the disciple, he automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. Okay, तो यहाँ पे stop करते हैं। बड़े important sentences हैं जो एक-एक हैं। ध्यान से इसको आप समझो। तो यहाँ तक पढ़ा। तो ये जो advancement है हमारी spiritually, ये कैसे पता लगेगी? कृष्णा ये देखते हैं कि कितना इच्छा है हमारी कृष्णा को satisfy करने की through the guru। जैसे army में क्या होता है? आर्मी में ऐसा नहीं है कि आर्मी का जो चीफ है उसको एक छोटे से छोटा कैडेट भी उसके पास जाएगा या छोटे लेवल का भी उसके पास, नहीं, उनके पूरा प्रोटोकॉल होता है। आपको अपना बॉस की बात माननी माननी है। कोई है आप में से जिनका कोई रिलेटिव या कोई आर्मी में हो या जिनको थोड़ा आर्मी का आइडिया हो, किसी को पता है यहाँ पे कि कितना स्ट्रिक्टनेस होती है आर्मी में? कभी देखा होगा आपने किसी सीरियल में या किसी से सुना होगा, सुना है किसी ने आर्मी में? रिलेटेड तो नहीं है बट कुछ चीजें पता है सिचुएशन एवरीथिंग का आर्मी में जो होता है डिफेंस में। आपने सुना हुआ है? रशिका ने तो, रशिका बताएगी कितना स्ट्रिक्टनेस होता है, कुछ आइडिया है आपको? अगर जैसे मॉर्निंग में अगर आपका डे शुरू होता है 5 o'clock से, आपको एक्सरसाइज के लिए जाना था, अगर आप 10 seconds की लेट होते हो तो जो रिपीट एक्सरसाइज से छोड़ के आपको पनिशमेंट होता है। And everything is time to time. सब कुछ मतलब एक पूरा एक टाइम आपको खाने का टाइम मिलता है, नहाने का भी टाइम मिलता है, हर चीज का टाइम मिलता है इसमें। हर चीज बिल्कुल डिसिप्लिन टाइम पे होनी चाहिए, है कि नहीं? और अगर हाँ तो पढ़ते हैं, है कि नहीं? पनिशमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट होती है उनकी, वो भारी भारी बंदूकें पहना के आपको कहेंगे आप चक्कर लगाओ ग्राउंड के, 100 चक्कर 100 चक्कर 1 किलोमीटर एक, तो ऐसे पूरी पूरी हालत हो जाती है। पर्सनालिटी भी पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर हेयर कट, प्रॉपर प्रॉपरली बियर्ड शेव वगैरह सब कुछ, थोड़ा सा भी हेयर कट भी ऊपर नीचे होता है तो उसमें भी कनेक्शन होता है ना। तो बस ये भी आर्मी है, आर्मी डिसिप्लिन है। यहाँ पे भी आप देखोगे जैसे पहले गुरुकुल में होते थे बच्चे, या अभी भी आप देखोगे जो सही डिसिप्लिन की जब बात आती है तो उसमें बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है। और जिस तरीके से आप अपने सुपरवाइजर का जो ऑर्डर आ गया वो आ गया, ऐसे नहीं कि आप उसको बाईपास करके आगे चीफ तक जा सकते हो। जो एकदम टॉप लेवल वाला है वो बंदा तो आपकी तरफ देखेगा नहीं, आपका जो लीडर है उसको आपको सेटिस्फाई करना है। ये चीज अभी आप मटीरियल लेवल में देख रहे हो, तो मटीरियल लेवल में क्या होता है, एक मटीरियल रिलेशनशिप होता है। फिर भी आर्मी वालों को बड़ा
जिस तरीके से उनका रिलेशनशिप होता है बड़ी बॉन्डिंग हो जाती है अपने सीनियर से। ऐसा नहीं कि वो सब लोग शुरू शुरू में तो उनको बुरा लगता है, लेकिन बाद में उनको ऐसे नहीं कि वो कहेंगे कि हम रिवेंज लेंगे इससे, नहीं, बॉन्डिंग हो जाती है क्योंकि जो सीनियर भी हैं वो उनको अपने उसकी तरह रखते हैं। और ये तो मटीरियल लेवल पे है, स्पिरिचुअल रियल में, स्पिरिचुअल लेवल में जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो तो एकदम अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं अपने डिसाइपल को, और जो डिसाइपल है वो उनको अपने एक कहते हैं ना गुरु देवो भव की देवता के समान, एक्चुअली क्या शास्त्र में लिखा है कि गुरु और भगवान इनको एक जैसी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि क्योंकि गुरु भगवान के रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान की तरफ हमें लेके जा रहा है ऐसे व्यक्ति को हमें समझना चाहिए कि गुरु है, और उसको वैसे ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि भगवान के वहां से आया ये मैसेंजर। तो ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह से आप सेटिस्फाई करोगे ये भगवान देखते हैं, और अगर आप वो सेटिस्फाई है तो भगवान सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर वो नहीं सेटिस्फाई हुए तो फिर समझ लेना चाहिए कि भगवान को सेटिस्फाई करने में अभी टाइम लगेगा। तो ये जो है ये बड़ा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, मटीरियल रिलेशन नहीं है कि गुरु एक्सप्लॉइट करेगा अपने डिसाइपल को या डिसाइपल जो है वो गुरु से बदला लेगा। ये सब चीजें जो है ये टच ही नहीं कर सकती स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, क्योंकि ये बड़ा प्योर रिलेशनशिप है, इसीलिए इसके लिए टाइम लगता है। क्योंकि आप भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान सही व्यक्ति को आपके संपर्क में लेके आएंगे, फिर वो सही व्यक्ति को आप देखोगे, फिर शास्त्रों में रिकमेंडेशन है कि गुरु को डिसाइपल को देखना चाहिए और डिसाइपल को गुरु को देखना चाहिए, उसके बाद ही उनको अप्रोच करना चाहिए। कुछ टाइम तक उनसे सुने, उस टाइम तक उनके बारे में जो है क्वेश्चंस करें उनसे, फिर जब आपको पता लगेगा आप अप्रोच करो, फिर गुरु देखेगा डिसाइपल को कि इसमें डिसाइपल की क्वालिटीज है कि नहीं है। ऐसे नहीं कि वो मान लेंगे कि हाँ भाई आपको हम एक्सेप्ट करते हैं, हाँ कई कई में वेटिंग है, कई कई सालों की, 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल लग जाते हैं लोगों को लाइन में लगे हुए। क्यों? क्योंकि अभी क्वालिटीज जब तक आपके अंदर आती नहीं है तब तक गुरु देंगे नहीं आप। और फिर आपको क्या करना है, आपको सवाल पूछने, आपको सबमिट करना है अपने आप को, और प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, सीरियसली सेवा करनी है। और जब आपके अंदर ऐसी स्पिरिट आती है सबमिशन की, सर्विस की, इंक्वायरी की, तो आपकी प्रोग्रेस होती है। अगर ये सब स्पिरिट नहीं आ रही है तो एडवांसमेंट जो है वो बड़ी स्लो होगी, ना के बराबर होगी। तो ये इम्पोर्टेंट चीजें, इम्पोर्टेंट क्वालिटीज। जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, अब कॉलेज में पास करने के लिए जैसे पीएचडी में क्या होता है, आपका एक प्रोफेसर होता है, उस प्रोफेसर के अंडर आपको काम करना पड़ता है, और फिर वो आपको कई सारे पेपर पब्लिश करने पड़ते हैं, फिर जाके आप निकलते हैं। ऐसे नहीं कि आप पेपर पब्लिश ही ना करो, आओ वहीं बैठ के खाओ तो फिर आप निकल जाओगे, ऐसे नहीं होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपके अंदर ये सब क्वालिटीज आनी चाहिए, सबमिशन, सर्विस, इंक्वायरी, सेवा। तो जब ये क्वालिटीज आएंगी, जब हम सेवा करेंगे तो नेचुरली हमारे को कृपा मिलेगी, और जब कृपा मिलेगी तब हम सवालों के जवाब समझ पाएंगे। बिना कृपा मिले सवालों के जवाब भी नहीं आएंगे। हमने क्वेश्चन पूछा लेकिन हमें आंसर समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अब हमारे को इतनी सुकृति डेवलप नहीं हुई। ये देखो, when he sees the genuine desire of disciple, he automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. तो ये spiritual understanding भी जो है, ये भी गुरु से प्रदान होती। समझ में आ रहा है सबको अभी तक? ओके, अभी हम ये लास्ट के पहले सेंटेंसेस करते हैं, फिर हम और डिस्कशन कर लेंगे, we'll open it up. तो कौन पढ़ेगा लास्ट सेक्शन? Few lines are remaining. Anybody wants to read? जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकते हैं। I can continue, Prabhuji, otherwise. हाँ, I'll continue. कितना बात है आप continue? In this verse, both blind following and absurd inquiries are condemned. Not only should one hear submissively from the spiritual master, but one must also get a clear understanding from him in submission and service and inquiries. A bona fide spiritual master is by nature very kind towards the disciple. Therefore, when the student is submissive and is always ready to render service, the reciprocation of knowledge and inquiries becomes perfect. Hare Krishna. Hare
हरे कृष्णा। तो आप ये देखोगे कि हमेशा जो बोनेफाइड गुरु होते हैं वो जब सिंसियर होता है डिसाइपल और सवाल पूछता है तो वो बड़े खुश होते हैं, उसी हिसाब से जवाब देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो ढोंगी होते हैं, वो सवाल जवाब नहीं, वो कहते हैं ये करना है तो मैं बस करना है। ऐसे व्यक्ति जो हैं उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्र हमारे सारे इसी तरीके से दिए हैं कि सवाल जवाब। अर्जुन ने सवाल किया, कृष्णा ने जवाब किया, परीक्षित महाराज ने सवाल किया, सुखदेव गोस्वामी ने जवाब दिया, जो शौनक ऋषि थे उन्होंने सवाल किया, सूत गोस्वामी ने जवाब दिया। तो ऐसे कई सारे शास्त्र आप देखोगे उसमें सवाल जवाब ही चलते। तो ये सवाल जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये किस तरीके से होता है, ये सबमिसिव स्पिरिट में होता है। तो जब ये खूबियां देखते हैं तो गुरु बहुत उसको ब्लेसिंग्स मिलती हैं और सारी बात समझ में भी आती है शास्त्रों। तो ये क्वालिटीज है जो इनकलकेट करनी पड़ेगी जिसको सही में डिसाइपल बनना है। डिसाइपल मीन्स टू बी रेडी टू बी डिसिप्लिन्ड, डिसिप्लिन होने के लिए तैयार रहना। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत जरूरी। ऑलराइट, तो आई थिंक आज का हमारा टाइम हो गया, स्टॉप करते हैं हम यहाँ पे। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है तो भी हम ले सकते हैं। सब कुछ क्लियर हो रहा है लोगों को? अभी हमने फोर्थ चैप्टर के आधे ज्यादा खत्म कर लिए श्लोक, आने वाले दिनों में फोर्थ चैप्टर खत्म होने वाला है। किसी का कोई क्वेश्चंस है या कोई कमेंट्स है तो आप बता सकते हैं। Prabhuji, I have a question regarding bona fide gurus. So sometimes, Prabhuji, we feel, okay, this is bona fide guru and we can follow him or we can render services. But later we realize it's not, I mean, we are not either understanding the things or maybe he is not the correct one. So in that situation, what should we do, Prabhuji? Mataji, we should know that what basis we decide on. तो सबसे पहली चीज है कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जब भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान की कृपा से हमें गुरु मिलेंगे और गुरु की कृपा से हमें भगवान मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि भगवान से सीरियस सिंसियर प्रेयर्स और चैंटिंग करना बड़ा जरूरी है। चैंटिंग मतलब कि डायरेक्ट कृष्णा से फोन कॉल हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, उसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीरियसली सिंसियरली अपना हार्ट रिवील करना भगवान को। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है शास्त्र को अभी हमें पढ़ना चाहिए सीरियसली और देखना चाहिए गुरु की क्या क्वालिटीज होती, क्या क्या चीजें होती हैं जो गुरु में होनी चाहिए। और जब ऐसे कोई लगे कि हाँ भाई इनके अंदर ये क्वालिटीज में दिख रही है, तो फिर हमारे को उनको और स्टडी करना चाहिए, जो उनके लेक्चर्स हैं, उनके जो भगवान के बारे में कहा है, क्या वो शास्त्रों से मैच हो रहा है कि नहीं। अगर वो शास्त्रों से मैच हो रहा है, अगर वो अपनी लाइफ में उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो सही मायने में इंस्पायर कर रहे हैं हमें भगवान की शरण लेने के लिए और भगवान के पास बढ़ने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को फिर हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई अब ये कोई क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं कि हम इनको और ज्यादा इनसे संपर्क सॉलिड स्थापित करने के लिए प्रयास करें। अदरवाइज अगर कोई भी ये फिल्टर पास नहीं हो पाते तो फिर हमारे को भगवान से सीरियसली प्रार्थना करते रहनी चाहिए और भगवत गीता पढ़ते रहने चाहिए और भागवतम पढ़नी चाहिए। भागवतम में बहुत अच्छे अच्छे डिवोटीज के बारे में स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, तो भागवतम पढ़ना कई बार बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। भगवत गीता में तो प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या बेटर है क्या नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स हैं अर्जुन के साथ। लेकिन भागवतम के अंदर स्टोरीज के फॉर्म में दिया है, तो स्टोरीज के फॉर्म में जब चीज होती है तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, तो लोगों को भागवतम जो है कई बार ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है। लेकिन भगवत गीता बेसिक है, भगवत गीता एक बार ही आपको पढ़नी पड़ेगी फिर आप भागवतम पे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैंड इन हैंड चलेंगी। डज इट आंसर योर क्वेश्चन माता जी? जी प्रभु जी, बिल्कुल। थैंक यू प्रभु जी। ऑल राइट, और किसी का कोई क्वेश्चन कॉमेंट कोई पॉइंट? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। I want to ask one question. I was just reading the purport again. इसमें
statement दी है, one must be able to pass the test of the spiritual master, and when he sees the genuine desire of the disciple, he automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. So I want to ask what kind of test is being referred here? Test कि आपकी कितनी submissive spirit है, कितना आपका goal है भगवान. और कई लोग होते हैं वो जाते हैं गुरु के पास सवाल पूछते हैं, लेकिन वो सिर्फ शो ऑफ करना चाहते हैं, देखो भाई हम भी कितने अच्छे सवाल पूछ लेते हैं बाकी ऑडियंस को, है कि नहीं. वो दिखाना चाहते हैं, देखो क्या अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने, देखो ये है समझदार. या फिर कई लोग जाते हैं वो कहते हैं प्लीज गुरु जी आप हमारे ऊपर दया करो, हमारे ऊपर ये करो. और उनको चाहिए क्या होता है, उनको अच्छी नौकरी चाहिए होता है, उनको अच्छी लॉटरी चाहिए होती है, उनको ये सब चीजें चाहिए होती. तो गुरु देखते हैं कि आपका गोल कृष्णा है कि नहीं, आप भगवान से अपना संबंध बनाने के लिए आए हैं या आप दूसरी चीजों के लिए आए हैं, कितने सीरियस हो, कितने सिंसियर हो, कितना हार्डवर्क करोगे. जैसे एक शिष्य है, एक स्टूडेंट है, वो अपने स्कूल में जाता है तो टीचर को वो देखती है, टीचर की कितने ज्यादा इसको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है. अगर उसको इंटरेस्ट हो वो फटाफट लर्न कर ले, फटाफट लेके आ जाए आपके पास, तो इमीडिएटली वो ऑटोमेटिकली जो है नजर में आ जाता है स्टूडेंट टीचर्स की. तो टीचर्स को पता लग जाता है हाँ ये स्टूडेंट्स, और उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर टीचर के मन में आ ही जाता है कुछ दिन में. जो भी आप लोग में से टीचर हैं आप बता सकते हैं इसमें कैसा होता है कि नहीं होता. तो ये सारी चीजें हैं, ये इससे ब्लेसिंग मिलती है. तो उसी तरह से यहाँ पे भी जब स्पिरिचुअल नॉलेज हम गेन करने जा रहे हैं तो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए भी हमें कितना हमारा गोल भगवान है ये देखते हैं. कई लोगों का गोल ही नहीं होते भगवान, कई लोगों को तो बस दूसरी चीजें हैं. हाँ भगवान अपनी जगह ठीक है लेकिन अभी तो मेरे को ये चाहिए, तो वो इसलिए आ जाते हैं कि प्लीज गुरु जी हाँ हमारे पर थोड़ा ऐसे करो, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा लॉटरी लग जाए, मेरे घर परिवार में बीमार है वो ठीक हो जाए. तो ये सारी चीजें जरूरी हैं लेकिन ये सारी चीजें गोल, अल्टीमेट गोल नहीं. ये सारी चीजें तो एक आध स्टेप है, जिस जो खत्म होगा तो दूसरा कोई आ जाएगा, दूसरी सिचुएशन ऐसी आ जाएगी. तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं दे आर नॉट द प्राइमरी. डज इट मेक सेंस? यस एक्चुअली मैं इसको किसी और सेंस में समझ गया था, सो अच्छा हुआ मैंने आपसे पूछ लिया. अच्छा ओके okay. नहीं आप बताओ और क्या इसमें कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए था? नहीं, नाउ आई अंडरस्टूड दिस पॉइंट. ओके ग्रेट. और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ओके आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा है लोगों को. ज्यादा शांति भी कई बार ये नहीं पता लगता कि सब समझ में आ रहे हैं लोगों को कि नहीं आ रहे. प्रभु जी आ रहा है समझ, जो आपने इसमें बताया ये समझ. चलो वेरी गुड, तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट श्लोक से 35 से कल. अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. भगवत गीता की जय. श्री जय हरे कृष्ण.